हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ DIY किचन ऑर्गेनाइजर्स, जो हमारे किचन को और भी सुंदर बनाने में काम आएंगे और हमारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में काम आएंगे। ऑर्गेनाइज किचन हमेशा ही खूबसूरत लगता है, और अगर हम अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे सजाएं तब हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कुछ किचन DIY ऑर्गेनाइजर्स शेयर करती हूँ आप सबके साथ। एक प्लाईवुड के थिक से टुकड़े पे मैंने चारों तरफ पतली पट्टियाँ थी उसको लगवा दिया, और ये एक टुकड़े पे कुछ हुक्स लगवाए हैं और हैंग करने के लिए भी लगवाया है। अब हम इस पर वाइट कलर का पेंट करेंगे। वाइट बेस कलर करने के बाद कोई भी कलर अगर हम लगाएं तो वो अच्छा हो जैसे अच्छे से लग जाता है, वो कलर निकल कर बढ़िया आता है। इसलिए आप वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं और या फिर जेसो भी यूज कर सकते हैं। मैं वॉल पेंट का ही यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रे पे भी कर देती हूँ वाइट कलर। ये बेकार से कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने उसका इस्तेमाल करा है इन DIY को करने के लिए। कलर सूखने के बाद मैं इस पे रेड कलर में थोड़े से वाइट कलर को मिलाकर यहाँ पे ये देखिए सेट तैयार किया मैंने, बिल्कुल अलग सा है। कोई भी कलर का सेट आप अपने मुताबिक कलर को मिक्स मैच करके लगा सकते हैं, या आपको जो भी रंग पसंद हो आप कर सकते हैं, या अपनी किचन की थीम के अनुसार भी कोई कलर आप चूज़ करना चाहे वो भी कलर कर सकते हैं। इस कलर को एक कोट ही किया मैंने, ये एक कोट में ही काफ़ी अच्छा हो गया। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप दूसरी कोट भी इसके ऊपर कर सकते हैं। कलर सूखने के बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेन से इस पे लिखा है टी टाइम। ये देखिए मैंने, आप कुछ भी कोई भी कोट इस पे लिख सकते हैं, कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं बढ़िया सी। तो इस पे मैंने ये लिख दिया है और साथ ही एक कप बना दिया है, और इसके ऊपर मैं एक स्माइल फेस बना देती हूँ कप को, बिल्कुल ऐसे स्माइल करते हुए कप हमको हम स्माइल करवा दे रहे हैं। आप कोई भी ड्राइंग बना सकती हैं या कोई स्टिकर भी हो उसे भी चिपका कर इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हाथों में चाय का कप हो तो फेस पे स्माइल तो होती ही है, इसलिए स्माइल वाला कप बना दिया मैंने। साइड में मैं एक बना दूँगी फ्लावर और वो तैयार हो गया। साथ ही अभी इस कलर को इसके चारों तरफ मैंने बाहर की तरफ से रेड कलर को ही यूज किया, जो मैंने हैंगर के लिए ही बनाया था उसी कलर को, और अंदर में येलो कलर यूज कर ले रही हूँ। इसे बहुत सिंपल सा ही रखूँगी मैं, ज़्यादा कलर मिक्स मैच नहीं करूँगी। ये कलर सूखने के बाद एक स्टेंसिल्स की हेल्प से मैं इस पर बना लूँगी ड्राइंग। स्टेंसिल्स को पहले अच्छे से चारों तरफ टेप से चिपका देंगे जिससे ये अपनी जगह से हटे नहीं और ड्राइंग काफ़ी अच्छी सी इसकी जो बनी है बनकर आए। फिर एक फोम की मदद से हम इसे टैप टैप करके कर लेंगे। कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी चॉइस का। ये देखिए आ गया है और यहाँ थोड़ा सा कलर फैल गया है, तो इसको मैं एक कपड़े को भींगो कर इसे पोंछ दूंगी जिससे कि अच्छे, और हमारा ट्रे तैयार हो गया है। ये एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिसका मैंने ये इस तरीके से बनवा लिया है, इसमें लेग लगवा लिए हैं और इसके ऊपर एक छोटे से पीस को वो भी लगवा दिया, और इसे अपने सेल्फ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने बनवाया और इसको सजाया है। ये देखिए बिल्कुल कैसा लग रहा है, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। इस तरीके से मैंने कुछ बेकार पड़े हुए लकड़ी के टुकड़ों से कुछ बढ़िया सा DIY किया और उससे अपने घर को सजाया, और ऑर्गेनाइज करने में भी काफ़ी हेल्प मिली। तो आप भी इस तरह का कुछ भी बना सकते हैं, और अगर आपको ये DIY पसंद आते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।